अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पुरानी दुनिया फॉर नाइन की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं जो आपको ये अमल तावीज़ शेयर कर रहा हूँ, दोस्तों ये तावीज़ जो है किसी के बारे में मालूम करना हो कि जादू टोना है या जिन्नात के असरात हैं, तो दोस्तों बाज़ जिस्मानी अमराज होते हैं और बाज़ रूहानी होते हैं आसेब के, जिन्नात के, और बाज़ टाइम जो है जादू टोने के असरात होते हैं। तो सबसे पहले आसेब और जादू टोने का इलाज करने से पहले तशखीस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर तशखीस सही हो जाए ये समझे कि एक किस्म का रूहानी लेबॉरेटरी टेस्ट होता है। ताकि तशखीस सही हो जाए तो उसका इलाज भी फिर आसान और बेहतर पावरफुल हो जाता है। दोस्तों, बाज़ लोगों को जो है ना जादू टोने की वजह से जो है कारोबारी बंदिश हो जाती है, रिश्तों की बंदिश हो जाती है, बैरून मुल्क की बंदिश हो जाती है। उसके अलावा जो है देखने में आया है कि जादू टोने के ज़रिए जो है अमराज मुख्तलिफ और ख़तरनाक अमराज जो है मुसल्लत कर दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ आसेबी असरात भी होते हैं कि जो ना समझ आने वाली बीमारी मुसल्लत हो जाती है और उनका डॉक्टरों से और हकीम इतबाए कराम से इलाज करा करा के जब थक जाते हैं, मायूसी होती है, तो मरज जो है ना तशख़ीस में नहीं आती कि आया क्या मसला है और दवा वगैरह क्यों नहीं असर कर रही। तो दोस्तों, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आज मैं ये एक तावीज़ इस बारे में शेयर कर रहा हूँ कि अगर तशख़ीस करनी ज़रूरी हो जाए और अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी मरीज़ पे या किसी भी किस्म का जेंट्स या बच्चा बच्ची या बड़े या औरत मर्द किसी किस्म के भी अगर असरात का शक हो, तो वो मालूम करने के लिए कि आया ये अमराज जिस्मानी है या रूहानी है या जिन भूत आसेब के कोई असरात है या जड़ तोड़ने के कोई असरात हैं, तो उनको मालूम करने के लिए जो है ना आज मैं ये आपकी खिदमत में जो है ये अमल शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल रानी दुनिया फॉर नाइन में न्यू हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम में वेस्ट किए चलते हैं अमल की जानिब। दोस्तों, ये जो है ना आपने एक सफ़ेद कागज़ पर, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर जो है ना एक बक्स बना लेना है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसको आपने काले इंक वाले पिन से और या फिर काली मार्कर से इसको जो है ना लिखना है। इसको आपने ये खाने बना लेने हैं। ये खाने बनाने के बाद सबसे पहले जो है ना ये जो तिलस्म का हरूफ लिखे हुए है इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। इसके लिखने के बाद जो है ये जो है ना लिखना है शद्दाद, नमरूद वाले, नात, हमान, अबू जहल, दक्यानूस, कारून, मलून, ने ला नोहमुल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा। ये आपने लिख लेने के बाद फिर उसके बाद ये आपने लिखना है इब्लीस लाइन, कारून लाइन, हमान लाइन, फिरौन लाइन। ये आपने लिख लेने के बाद जो है कोई भी मरीज़ा है या मरीज़ है तो उसको आपने, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसको दिन में किसी भी टाइम लिख सकते हैं, कोई टाइम टेबल इसका मुकर्रर नहीं है और ना ही इसको इस्तेमाल करने का कोई टाइम मुकर्रर है। तो दोस्तों, ये जो है ना तावीज़ लिख लेने के बाद जो है मरीज़ हो या मरीज़ा हो उसको ये दिखाना है। उसको जब आप दिखाएंगे तो ये देखने के तकरीबन 3-4 मिनट के लगभग उस पर 3 किस्म की कैफियत तारी होएंगी। उनकी 3 किस्म की कैफियत को आप मद्देनज़र रख के तशख़ीस कर सकते हैं कि आसेब या जिन्नात के असरात हैं या जादू टोने के असरात हैं, तावीज़ात के गंदे असरात हैं
और या फिर ये रूहानी या जिस्मानी मसला है वो आप मालूम कर सकेंगे। ये तावीज़ मरीज़ या मरीज़ा को दिखाने के बाद उसमें जो तीन कैफियतें आपको मालूम होंगी उसका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये तावीज़ देखने के 5 मिनट के लगभग अगर उनकी सूरत जो है ना रोने जैसी हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस मरीज़ा या मरीज़ पर जो है जिन्नात आसेब के असरात हैं, तो जिन्नात या आसेब के असरात होंगे उस पर। तो दोस्तों दूसरी सूरत यह होगी या इस तावीज़ को देखने के बाद मरीज़ या मरीज़ा जो है ना हंसने लग जाएगा। अगर वो हंसने लगता है और ऐसी कैफियत उस पे तारी हो जाती है तो आप यकीन कर लें कि इस पे काले जादू के तावीज़ों के गंदे असरात का असर है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी कैफियत होगी दोस्तों। या फिर ये तीसरी कैफियत ये होगी कि ये तावीज़ दिखाने के बाद उस पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, उसमें ना हंसने की कैफियत पाई जाएगी ना रोने की कैफियत पाई जाएगी। तो समझ जाएं कि इसको कोई भी मसला है तो वो जिस्मानी मसला है। तो जिस्मानी मसला हो उसका जिस्मानी इलाज मुआलजा करवा के जो है ना सेहतियाबी हासिल कर की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अजीज़ों को, अकारब और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसके बारे में अगर कोई आपको सवाल करना चाहे तो कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।